जनसंघर्ष पैदल यात्रा के पहले दिन करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद सचिन पायलट एक बार फिर से लंबी यात्रा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरे साथ इस समय सचिन पायलट मौजूद हैं। पायलट साहब, पहले दिन आप 20 किलोमीटर के करीब चले, इस तपती हुई मई की गर्मी में, झुलसती हुई धूप में कैसा रहा आपका अनुभव? देखिए, ये यात्रा नौजवानों के लिए है और इस पूरे जनसंघर्ष यात्रा में हमारा जो मुद्दा है वो है कि एक सिस्टम में जो दिक्कत पैदा हुई है करप्शन के माध्यम से, उसका हम लोगों को निराकरण करना है। इधर आ जाओ। और मैं मानता हूँ कि पब्लिक का समर्थन उनको मिल रहा है क्योंकि पब्लिक के इश्यूज हैं, बाकी धूप गर्मी छाव ये जीवन चलती रहती है। पायलट साहब, आपने 11 तारीख को अनशन किया था, 11 अप्रैल को, और 11 मई को आप पैदल यात्रा निकालने की शुरुआत कर चुके हैं और ये अटकलें लग रही हैं कि 11 जून को आप एक बड़ा फैसले की घोषणा कर सकते हैं, कांग्रेस को छोड़कर अपना कोई। मुझे मेरी जनसंघर्ष यात्रा पूरी करनी है। लगभग 15 तारीख तक हम जयपुर पहुंचेंगे। लोगों की आवाज़ बनकर हम लोग सड़कों पर आए और मैं लोगों की बातों को सुन रहा हूँ, लोगों की आवाज़ों को सुन रहा हूँ और नौजवानों को जो उदासीनता पैदा हो रखी है उसका निराकरण करना हमारी प्राथमिकता है और जयपुर जाकर अपनी बातों को मनवाएं, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। पायलट साहब, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि आप ना उम्मीद हो चुके हैं पार्टी में, जिस तरह ना उम्मीद हो रहे हैं प्रदेश का नौजवान, लाखों लोगों जिन्होंने पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, बार बार ऐसा हो रहा है और जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व है उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पायलट साहब, जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, ये बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है क्यों अशोक गहलोत की सरकार इन मुद्दों को आपको रिस्पॉन्ड करने की बजाय 10 करोड़ रुपए लिए थे, पैसे वापस कर दो, इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हैं? मुझ पर कोई भी लांछन लगाए मुझे परवाह नहीं है। लोग जानते हैं, जनता जानती है, मतदाता जानता है हम लोगों की राजनीति कैसी रही है। मैं पिछले 20-25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे बड़े बड़े जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि राजस्थान के नौजवानों को, लोगों को उम्मीद है उन लोगों से जो जनता के बीच में रहते हैं। और ये जो करप्शन के इश्यूज़ हैं आज के नहीं है, मैं 1.5 साल से चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, मैं बात कर रहा, अनशन जैसे आपने कहा मैं अनशन भी किया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पर सरकार कार्रवाई करे और ये द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सैद्धांतिक इश्यूज है उसको हम उठा रहे हैं। पायलट साहब, आपने वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बात की, अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि उनकी सरकार वसुंधरा राजे की वजह से बची, क्या ये 60 गांठ है जिसकी वजह से राजस्थान में पिछले 25 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं देखा गया? ये सवाल आप उनसे पूछे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ऐसा स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया, ऐसा स्टेटमेंट इसका जवाब अशोक जी दे सकते हैं। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि आप कह रहे हैं कि मैं मुद्दे उठा रहा हूँ, पर जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, जो चीजें आपको नजर आ रही है जमीनी स्तर पर, क्या उनको नजर नहीं आ रही है? ये काम पार्टी का नहीं है, सरकार का काम है, सरकार हम लोगों की है, इसलिए ये कदम जो उठाने हैं सरकार को उठाने हैं और मुझे लगता है सरकार को उठाने भी चाहिए। अब समय बहुत कम रह गया, 4.5 साल निकल गए, इसे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इसी को लेकर हम सड़कों पर आए। अगर पार्टी आपकी बात नहीं सुनती है, क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठजोड़ करना एक विकल्प? ये चर्चाओं और स्पेकुलेशन आप लोगों का, मेरा काम नहीं है। आपका क्या? मीडिया का काम है, आप चर्चाएं करो, लोगों का नाम उछालो, किसी को यहाँ भेजो, किसी को वहाँ भेजो, मैं तो जनता के बीच सड़क पे चल रहा हूँ, आपके सामने चल रहा हूँ और पब्लिक इश्यूज को उठा रहा हूँ। ये जन सैलाब जो उमड़ रहा है सर आपके साथ, साफ तौर पर सचिन पायलट ये कहते हुए कि जो अटकलें हैं उसको ना तो नकार रहे हैं ना उस पर हामी भर रहे हैं और साफ कर दिया है कि जो वो मुद्दे वो उठा रहे थे उनको उठाते रहेंगे, और ये भी साफ करते हुए कि पार्टी नेतृत्व को देखना है कि किस तरह वो मुद्दों को हैंडल करती है क्योंकि समय जो है वो कम रह गया है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, अजमेर आज तक।